नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, दो दिन करंट अफेयर्स नहीं आया तो इतने सारे मैसेज, इतने सारे कॉल कि सर करंट अफेयर्स कहाँ चला गया, करंट अफेयर्स कहाँ चला गया, तो कहीं नहीं गया था दोस्त। 15 अगस्त का एक हॉलीडे हुआ और एक रविवार को तो वैसे ही मैं हॉलीडे रहता हूँ, तो मंडे को आप मान लीजिए कि मैंने एक दिन छुट्टी ले ली, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरह से फोन करते हो, इस तरह से केयर करते हो कि सर करंट अफेयर्स की जरूरत है, बहुत अच्छा फील होता है। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये जो आपका प्यार है, ये जो विश्वास है, ईश्वर मुझे इतनी ताकत देता रहे, इतनी सामर्थ्य देता रहे कि मैं आपके विश्वास और प्यार पर हमेशा खरा उतर सकूं। करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करता हूं, बहुत मेहनत लगती है इसको करने में, दिन भर थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है। हाँ, दूसरा पॉइंट ये कि आपको लग रहा होगा कि आपकी न्यूज़ छूट जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि जो थोड़ी न्यूज़ आज हम कवर कर लेंगे, थोड़ी कल कवर कर लेंगे, और जो आज की आई होगी वो भी कवर कर लेंगे, ताकि एक दिन में बर्डन ना आए हमारे ऊपर, हम सब कुछ कवर करेंगे, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक अटल नवीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे हम लोग अमृत मिशन के नाम से जानते थे, तो उसमें एक स्टेट ने अभी टॉप किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में टॉप किया है। क्या है अमृत मिशन उसके बारे में जानेंगे, कौन सा स्टेट ने टॉप किया है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आज की यही है, नियो का गठन। नियो मैंने नाम दिया है, नियो मतलब और किसी ने नाम नहीं दिया। मुझे इसकी स्पेलिंग जो नजर आई वो NIIO नजर आई, तो मुझे लगा कि इसका नाम नियो ही ठीक रहेगा। आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या किया कि 101 वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो हमारी सैन्य सामग्री से जुड़े हुए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया और कह दिया कि इन सभी को भारत में बनाया जाएगा, तो वो अचानक से भारत में बनने लगेंगी। उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, उसके लिए प्रोजेक्ट लगाने होंगे, उसको प्रोस एंड कॉन्स देखने होंगे। तो इसी तरह से एक संगठन का गठन किया गया है नौसेना के लिए, और उस संगठन का नाम है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है। इसका फुल फॉर्म है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि NIIO क्या है। NIIO एक संगठन है, त्रिस्तरीय संगठन है, इसमें तीन क्लस्टर रहेंगे। वो क्लस्टर क्या होंगे उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म पहले इसका याद कर लो, नवल या नेवल इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, नए नए विचारों को लेके आना, नए तरीके लेके आना। एन इंडिजेनाइजेशन, ये तो बड़ा प्रोनाउंस करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिजेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो मतलब है इसका ये है कि स्वदेशी रूप से उन वस्तुओं को तैयार करना। ये कैसे होगा, इसके लिए तीन स्तर बनाए गए हैं, एक त्रिस्तरीय संगठन होगा। पहले स्तर पर रखा जाएगा नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद, यानी कि नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल। किस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट करें, एडवांस करें, इसकी सलाहकार एक परिषद होगी, और ये नवाचार और स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाकर शीर्ष स्तरीय निर्देश यानी कि डायरेक्शन देगी, तो सबसे टॉप की संस्था होगी। दूसरे स्तर पर इसी के एक कार्य समूह होगा जो एग्जीक्यूशन करेगा, मतलब कि यहां पर आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन होगा, और इसके नीचे एक वर्किंग ग्रुप होगा जो एग्जीक्यूट करेगा चीजों को, एग्जीक्यूशन करेगा कि उनका कैसे उनको काम पे लगाया जाए, कैसे उनको काम किया जाए। तीसरे स्तर पर उभरती प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल, यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, जिसे टीडेक कहा जाएगा, का भी सृजन किया गया है। तो ये जो शुरू किया गया लॉन्च ऑफ इंडियन नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनिशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए नौसेना की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम है, और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए NIIO क्या है, एक संगठन है, त्रिस्तरीय संगठन है, तीन स्तर होंगे, डायरेक्शन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, और बाद में उसका समावेशन किया जाएगा। तो NIIO के बाद अगली जानकारी की तरफ चलें, वेरी मतलब बड़ी न्यूज है, आपको पता चल गई होगी कि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले ही टेस्ट मैच से अलविदा कह दिया था 2014 में ही, लेकिन अब उन्होंने किसी भी तरीके के प्रारूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, हालांकि वो IPL खेलते रहेंगे। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। धोनी ने दिसंबर 2014 में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। धोनी की कप्तानी में भारत ICC टीम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन में पहुंचा था।
उनकी कप्तानी में ही 2007 में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 को उनकी कप्तानी में ही भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप भी जीता था और उन्होंने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा किया था। वह पहले कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में तीनों ICC ट्रॉफी हमने जीती थी। मुझे याद है आज भी वो दिन जब धोनी अपना पहला मैच खेलने आए थे, मुझे लग रहा था ये नहीं खेल पाएगा, लेकिन वाकई जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका की पारी खेली और फिर उसके बाद बहुत सारी पारी, तो कसम से फैन ही हो गया एकदम डेडली वाले हम। IPL में उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग अब तक हर सीजन के अंतिम चार में पहुंची है और उसने 3 बार खिताब जीता है। 2 साल तक जब उनकी टीम IPL में शामिल नहीं रही तो वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले और क्रिकेट में सुरेश रैना ने भी 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दो बड़े दिग्गज रिटायर हुए, एक महेंद्र सिंह धोनी और एक सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो बहुत ही काम एंड कंपोज्ड आदमी है। जब मैंने उन्हें देखा कि वो हर स्तर पे बराबर रहते हैं, मतलब कि ज़्यादा मैच जीती है तो भी वो वैसे ही रहते हैं, मैच हारते हैं तो भी वो उसी तरीके से रहते हैं। और हमें उनसे कुछ जरूर सीख लेनी चाहिए कि आदमी चाहे जितनी चढ़ाई पर पहुंच जाए या जितनी नीचे गिर जाए उसे शांत रहना चाहिए, तभी वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा। अगली जानकारी तब चलते हैं। भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस मौके पर 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजधानी के दिल्ली के लाल किले से कई सारी घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है कि नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का आरंभ करने की बात की है। इसमें क्या होगा, इसमें जैसे आपका आधार कार्ड है उसमें आपकी सारी जानकारी है, बायोमेट्रिक डेटा है, उसी प्रकार से एक नेशनल हेल्थ कार्ड बनाने की बात की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत आपने कौन से डॉक्टर से कब इलाज कराया, किस कौन सी दवा ली, किस तरीके के लिए, पूरी पूरी जानकारी जो होगी वो वहां पर होगी। इससे कोई भी डॉक्टर पीछे नहीं हट पाएगा कि नहीं मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। दूसरा, इसमें पारदर्शिता आने की बहुत हद तक गुंजाइश है कि जो डॉक्टरी पेशा है आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कमीशनबाजी करते हैं और कुछ की दवा कुछ लिखते हैं, बहुत सारी धांधली भी होती है, सुना होगा आपने और देखा भी होगा। तो हाल फिलहाल इन सब पे रोक लगाने के लिए एक नेशनल स्वास्थ्य मिशन लाया जा रहा है और इस नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के आरंभ की घोषणा की है। इसमें तहत प्रत्येक भारतीय को स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। इस शब्द का नाम याद रखिएगा, हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड। यह स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगा। इसमें जांच, रोग, डॉक्टर की ओर से बताई गई दवाइयां, जांच रिपोर्ट, संबंधित सूचना एक ही स्वास्थ्य पहचान पत्र पर दर्ज होगी। दूसरा, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नाम फिर से लिया। आत्मनिर्भर भारत के बात करते करते उन्होंने कहा कि भारत ऐसा नहीं है कि विश्व से कट जाएगा। आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह नहीं कि हम विदेशों से व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हम विदेशों से व्यापार करेंगे लेकिन इस तरीके से करेंगे कि बनाएंगे इंडिया में बट विश्व के लिए, यानी मेड इन इंडिया फॉरवर्ड। एक नया टैगलाइन वो लेके आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई टैगलाइन लेके आते हैं, तो एक बार भी वो एक टैगलाइन लेके आए कि मेड इन इंडिया एंड मेड फॉरवर्ड। तो ये बढ़िया बात है। चलिए, तो उत्पादन के लिए अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और वोकल फॉर लोकल का भी आह्वान किया और कहा कि भारत को विश्व की जरूरतों के हिसाब से भी अपना काम शुरू करना चाहिए। तो ये सही बात है कि हम कुछ लोग इसका इस तरह से आलोचना कर देते हैं कि सर हम सारी चीजें तो अपने पास नहीं बना सकते। बिल्कुल मैं मानता हूं कि हम सारी चीजें नहीं बना सकते, बट एक अंधा दौड़ जो बना हुआ है कि नहीं USA की चीजें ज्यादा अच्छी होंगी या इंपोर्टेड चीजें ही लेनी है, उससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर हम इस विचारधारा से कमी ला पाए तो उसका सीधा फायदा देश को होगा। अगर इस विचार का हम थोड़ा सा भी फायदा उठा पाए कि नहीं चीजें अपने यहाँ डेवलप करना शुरू करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा हमें और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके जरिए जो देश है जो विकास की पटरी से उतरा हुआ है वो विकास की तरफ बढ़ सकेगा। इसके अलावा भी उन्होंने और कई सारी बातें शुरू की, जैसे उन्होंने बताया कि एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री का देश में नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और नई साइबर सिक्योरिटी नीति लाई जाएगी, जिसके जरिए कोई भी आपने देखा होगा जो साइबर अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होते हैं, तो उससे सुरक्षा के लिए अभी हमारे देश में कोई ठोस उपाय नहीं है। अभी ऐसी कोई नोडल एजेंसी नहीं है जो वाकई में साइबर अपराध को रोक सके, तो इसके लिए थोड़ा सा काम किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल कैडेट कोर का विस्तार किया जाएगा NCC कैडेट के लिए। अब 1,00,000 नए NCC कैडेट को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और इनका 173 सीमाओं तक इनका विस्तार किया जाएगा। प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि एशियाई शेर और टाइगर दोनों ही तेजी से भारत में बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था उसी तरह से प्रोजेक्ट लायन लाया जाएगा। और डॉल्फिन, जिसे भारत का जलीय जीव भी कहा जाता है, गंगा की डॉल्फिन जिसे सूंस भी कहते हैं, उसके लिए भी, उसको बचाने के लिए भी क्या किया जाएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया जाएगा। इसके अलावा 100,00,000 करोड़ रुपए का एक नेशनल
इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कि पूरे देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने की बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। इस पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का प्लान हो रहा है और अलग अलग सेक्टर में 7000 प्रोजेक्ट को चिन्हित किया जाएगा ताकि जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसको जोड़ा जा सके और जो सड़क भराव की समस्या होती है, बाढ़ की समस्या होती है, उससे थोड़ा सा निजात दिया जाए। प्रदूषण के खिलाफ अभियान की बात की उन्होंने और उसके बाद प्रधानमंत्री संबोधन के अन्य बिंदु ये थे कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो हुआ है उसमें 18% की वृद्धि हुई है और देश के किसानों को आधुनिक ढांचा का सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष बनाया गया है। कितने रुपए का है? 1,00,000 करोड़ रुपए का। यह डेटा आपको याद होना चाहिए। पिछले 5 वर्ष में 2,00,000 ग्राम पंचायत तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है और 1,000 दिन के अंतर्गत देश के 6,00,000 गांवों के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से क्या फायदा होगा? तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी तो जिसकी वजह से जो अभी भी नहीं जुड़ पाए हमारे से, वित्तीय समावेशन से नहीं जुड़ पाए, डिजिटल समावेशन से नहीं जुड़ पाए, वो भी इससे जुड़ पाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ खास बातें रही जिनके बारे में हमने बातचीत की। अगली जानकारी है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको पता है कि पुरस्कारों की घोषणा की जाती है तो प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाने वीरता पुरस्कारों की घोषणा इस बार 14 अगस्त को की गई थी। राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने सैन्य बलों के जवानों के लिए 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी जिसमें 1 कीर्ति चक्र दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल कलास नाम है उनका पूरा, मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। अब्दुल कलास की बात करें तो अभी हाल ही में जो पुलवामा में अटैक हुआ था उसके बाद जो कामरान कमांडर था उनका, जो जिसकी वजह से यह हमला हुआ था, उसको उसके साथ 2 और साथियों को यानी कि 3 आतंकवादियों को मार कर गिरा दिया था इन्होंने, अब्दुल राशिद कलास ने। तो अब्दुल राशिद कलास को गोली भी लग गई थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इनको ये कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है और उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स, हवलदार आलोक कुमार दुबे को शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल थे और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को भी शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। शौर्य चक्र शांति काल का 3रा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जबकि कीर्ति चक्र शांति काल का 2रा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अशोक चक्र शांति काल का 1ला सबसे बड़ा पुरस्कार है। राष्ट्रपति ने सेना के 60 जवानों के लिए सेना पदक, नौसेना के लिए 4 नौसेना पदक और वायुसेना के लिए 5 वायुसेना पदक भी मंजूर किए हैं। 926 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। अब पदकों की बात की जाए तो युद्ध काल के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा पदक है, गैलेंट्री मेडल है, वो है परमवीर चक्र। ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। 2 नंबर पर महावीर चक्र और 3 नंबर पर वीर चक्र आता है जबकि शांति काल के दौरान परमवीर चक्र की जगह अशोक चक्र दिया जाता है। ये शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार, और ये सेना के साथ साथ किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है। कीर्ति चक्र 2 नंबर का पुरस्कार है, शौर्य चक्र 3 नंबर का पुरस्कार है। अन्य देशों के जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है जबकि मेडल फॉर वेल्लोर इटली का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आयरन क्रॉस जर्मनी, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान का, यूनाइटेड किंगडम का विक्टोरिया क्रॉस और क्रिएशे दे गुरे फ्रांस का, संयुक्त राज्य अमेरिका का मेडल ऑफ ऑनर, जिसमें से आपको ये जरूर याद होने चाहिए 7 नंबर, जापान, इटली, बस अगर आप इतने याद रखते हैं तो काफी सही रहेगा। यूनाइटेड किंगडम, माफी चाहूंगा, भारत का तो याद ही होना चाहिए, तो ये जरूर आपको याद होने चाहिए। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। आप स्पोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर फिट इंडिया फ्रीडम रन के में ऊपर रजिस्टर कर सकते हो और आप भी अपनी GPS वॉच लेकर दौड़ सकते हो और आपका भी नाम इस वेबसाइट पर प्रदर्शित होने लगेगा। अभी हाल ही में हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने, उन्होंने पूरे इंडिया को फिट रहने के लिए, फिट रहने का एक संदेश देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है जो 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसमें कोई भी धावक अपने हिसाब से, अपने मुताबिक जितना मैराथन दौड़ सकता है उतना मैराथन दौड़ेगा। बस ये कि उसका जो भी डेटा है वो शेयर करना होगा उसे यहाँ पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, जिसके जरिए जिसमें से विजेताओं की फिर बाद में घोषणा की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये कि किसी तरीके से लेजीनेस को हटाना, आलसपन को हटाना, लोगों को फिट रखना, क्योंकि दौड़ना अपने आप में एक बढ़िया व्यायाम होता है, इससे पूरे शरीर की कसरत होती है। और अगर आपको दिन भर आलस जैसा फील होता है तो मुझे लगता है कि आपको भी सुबह सुबह थोड़ा बहुत 10-20 मिनट दौड़ लेना चाहिए। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालयों द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया या 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित होगा। मंत्रालय ने 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसे COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच में फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रतिभागी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस या मैनुअल घड़ी का उपयोग करके कवर की गई कुल दूरी को ट्रैक कर सकते हैं और इस तरीके से वो अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। तो बस इतना याद रखना है, फिट इंडिया फ्रीडम रन किसके द्वारा शुरू किया गया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा, कब से कब तक हो रहा है, 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर के बीच। और ये रहा आपका क्वेश्चन, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति प्रदान करना है, यानी कि पाइप द्वारा नल के जरिए उनके पास पानी पहुंचे। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना है और हरित स्थानों में सुधार करना है। उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ आया है और जबकि तेलंगाना 74.04 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर। उसी तरह से गुजरात चौथे, कर्नाटक पांचवें, आंध्र प्रदेश छठे, मिजोरम सातवें और मध्य प्रदेश आठवें, चंडीगढ़ नौवें, चंडीगढ़ तो हो चुका, ये कुछ गड़बड़ है। फिर अंडमान निकोबार जो है वो 10वें स्थान पर पहुंचा है। अमृत मिशन की बात करें तो पहली बात तो ये मिशन जो है ये अभी हाल ही में 2015 में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसकी डेट जो है ये अभी 2 साल के लिए दिसंबर 2019 को एक्सटेंड कर दी गई है क्योंकि ये पूरा नहीं हो पाया था। इस मिशन का मेनली फोकस ये है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग, यानी कि किसी तरीके से एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए जिससे बाढ़ को रोका जा सके। दूसरा पॉइंट है सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट किया जा सके, सीवेज प्लांट लगाए जा सके, ग्रीन स्पेस बढ़ाए जाए शहरों के अंदर और नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि बिना वाहन के लोगों को यातायात को बढ़ावा दिया जाए, उनको साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस स्कीम के अंतर्गत स्टेट को कुछ फंड मिलेगा और एनुअल एक्शन प्लान उसे देने पड़ेंगे, यानी कि वार्षिक प्लान बनाने पड़ेंगे। उसके बाद सेंटर उन्हें फंड देगा, सेंटर अगर फंड देता है तो 7 दिन के अंदर उन्हें जो भी एक्शन प्लान कमेटी है वहां तक वो फंड को पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है कि अमृत स्कीम का फुल फॉर्म आज आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना, मैंने बताया नहीं, अटल मिशन आगे आप कर लेना। ठीक है, तो अमृत स्कीम का फुल फॉर्म बताना है। एक और स्कीम है हृदय स्कीम, इसका भी फुल फॉर्म आपको आज आपके कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है और दोनों योजनाओं के बारे में जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अमृत मिशन शहरों में जो पाइपलाइन की समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो सीवेज की समस्या है, पानी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है उसको दूर करके ग्रीनरी का विकास करना है, यानी कि वहां पे हरित जो भी है, यानी कि जो भी जितना हमारा हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जाएगा। अब बारी है, क्योंकि हमने उड़ीसा के बारे में बात कर ली है तो उड़ीसा का करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। उड़ीसा ने अभी हाल ही में भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम शुरू किया गया जिसे ब्लिस कहा गया था। ब्लिस, इसका काम क्या है, इस सिस्टम का काम यह है कि अगर सरकारी जमीन पर कोई अधिग्रहण होता है तो उसे रोका जा सके। दूसरा, उड़ीसा जी ने अभी हाल ही में, मतलब उड़ीसा जी निकल रहा है, उड़ीसा राज्य ने अभी हाल ही में बंदे उत्कल जननी करके अपना एक राजकीय गान एक्सेप्ट किया है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने अभी हाल ही में उड़ीसा पुलिस को ट्रांसफॉर्म करते हुए पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन खोला। सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन नाम के दो ऐप खोले गए थे, ऐप बनाए गए थे जिनको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है 2019 में। और भुवनेश्वर जो है ये पहला जिसने अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला एडिशन आयोजित किया था, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। मिंती मिश्रा एक वेटरन यानी कि अनुभवी उड़ीसी डांसर थी जिनका अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में उड़ीसा में निधन हो गया। और 8 बार के नेशनल अवार्ड विजेता मनमोहन मोहापात्रा, ये डायरेक्टर भी थे, फिल्म निर्माता भी थे, इनका भी अभी 69 की एज में निधन हो गया। दूसरा बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन एक्सरसाइज जो है ये अभी हाल ही में भुवनेश्वर में देखने को मिला। इंडिया जो है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन करेगी किक ऑफ द ड्रीम ऑफिशियल लोगों के अंतर्गत, और चूंकि कई राज्यों में इसका आयोजन होना है तो उड़ीसा में भी इसका आयोजन होगा। किक ऑफ द ड्रीम जो स्लोगन है, और उड़ीसा पहला स्टेट रहा जिसने SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया, उसका नाम रखा गया मिशन शक्ति। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने मो जीवन प्रोग्राम शुरू किया था ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके, और उड़ीसा सीएम ने यानी कि नवीन पटनायक जी ने अपने पिताजी पर एक लिखी पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट बीजू पटनायक पर यह पुस्तक लिखी गई थी, इसका विमोचन किया था। उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में यूनिसेफ के साथ एक कोलैबोरेशन किया और मो प्रतिभा नाम कर जो बच्चे
लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद हो गए हैं, उनका टैलेंट कहीं खो ना जाए, तो उसको निकालने के लिए मो प्रतिभा नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। नवीन पटनायक जी को अभी हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो एनिमल्स हैं उनके भी खाने पीने का ध्यान रखा था। चीफ मिनिस्टर सीएम नवीन पटनायक हैं, बीजू जनता दल से आते हैं, गवर्नर गणेशी लाल है, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर है, स्टेट ट्री सेक्रेट फिग यानी पीपल और स्टेट फ्लावर अशोक के फूल, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर और स्टेट एनिमल है सांभर डियर। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको उड़ीसा से देखने को मिलेंगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, तो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये गोवा में अपने समय से होगा, इसकी जानकारी अभी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दी कि यह महोत्सव इस बार 20 से 28 नवंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसे IFFI भी कहा जाता है गोवा में इस बार 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच आयोजित होगा। अगली जानकारी है, एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि पेट्रोलिंग करने के लिए एक वेसल है सार्थक, जिसको अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग समारोह नई दिल्ली के तटरक्षक मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV श्रृंखला में यह चौथे नंबर पर है। इसका नाम क्या है? सार्थक है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल भारत का चौथा सशस्त्र बल है जो खोज और बचाव समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत में समुद्री हितों की रक्षा करता है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। वर्तमान समय में राजेंद्र सिंह जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। डायरेक्टर जनरल कृष्ण रोमी नटराजन है, सॉरी। अगली जानकारी तक चलते हैं, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और एग्री और ITC लिमिटेड ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी भी शामिल हैं। साथ साथ इस पुरस्कार में 25 लोगों को स्थान दिया गया है, जिसमें नाना पाटेकर भी शामिल किए गए हैं अपने नाम फाउंडेशन के लिए। अन्य विजेताओं में पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री SP वर्मा, विलास सिंधे, कोसम राजा मौली, तेलंगाना गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच ब्रिगेडियर पोगुला गणेशम और पाल सुरंजना के संस्थापक और गोविंदा राजुलू चुलू भी शामिल हैं। आपको सिर्फ याद रखना है सुधा मूर्ति और नाना पाटेकर का नाम। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर की गई थी और उनका जो ग्राम स्वराज का सपना था उस विचारधारा को, उस आइडियोलॉजी को लेकर ये लोग चल रहे हैं। हर साल इसका अनाउंसमेंट होता है, पिछले साल पहली बार हुआ था, इस बार भी हुआ। तो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार मिला है इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है यहां पर, इफ यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन, यदि आप हर किसी को खुश करना चाहते हैं, यू विल प्लीज नो वन, आप किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल टू लीड योर लाइफ फॉर अदर हैप्पीनेस, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे की खुशी के लिए अपना जीवन जीना ये बहुत ही कठिन है। अगली जानकारी है, इलेक्ट्रिक मोबाइल मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन के माध्यम से कंपनी बिजली की गतिशीलता के लिए बड़े पैमाने पर अपील, सकारात्मक आवाज और व्यापक अभिग्रहण का लक्ष्य बना रही है। ई बाइक गो अलग अलग यात्रियों के किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक प्रदान करता है, यानी कि आप इसे देख सकते हैं ओला बाइक की तरीके है। तो फिलहाल ई बाइक गो जो है इसमें ये जो बाइक होगी वो इलेक्ट्रिक बाइक होगी और मौजूदा समय में मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, अमृतसर और जयपुर, हैदराबाद में ये चल रहा है। अगली जानकारी है, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई कविताओं के एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम में कम से कम 3 किताबें लिखी हैं और पिल्लई द्वारा लिखी 2 और पुस्तकें हैं, रिपब्लिक डे 2020 एंड और दस स्पीक्स द गवर्नर, भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लामा द्वारा जारी की गई थी। तो कोरोना कविता काल किसकी पुस्तिका है? ये राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई मिजोरम के। कौशिक खोना को अभी गो एयर के एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, वो विनय दुबे का स्थान लेंगे। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है, यह भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व में है। तो फिलहाल कौशिक खोना को CEO बनाया गया है गो एयर का।
चेतन चौहान फॉर्मर क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, वे 73 साल के थे। और भारतीय पूर्व क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। कोरोना से संक्रमित होने के बाद चेतन चौहान को गुरुग्राम के मेंदाता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चेतन चौहान भारत के ओपनर बल्लेबाज रहे थे और एक समय चेतन चौहान और सुनील गावस्कर की जोड़ी को विश्व की सबसे अच्छी जोड़ी माना जाता था। एमआई इंडिया भारतीय बच्चों को स्मार्टफोन वितरित करने वाला है। चीनी स्मार्टफोन दिग्गज शाओमी ने घोषणा की है कि एमआई इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा और इसमें उनकी सहायता करेंगे टीच फॉर इंडिया। अब बारी है आज के हमारे वनलाइनर की। अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन के क्रियान्वयन में कौन से भारतीय राज्य अव्वल पे रहा, तो उड़ीसा। और भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, गोवा में, कब किया जाएगा, नवंबर में। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माताओं ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है, तो वह है शाओमी। और NIIO में N का क्या अर्थ है, नेवल। पहले कप्तान बने जिन्होंने 3 ICC ट्रॉफी जीती थी, वो कौन है, MS धोनी। और अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 100 चुने हुए शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ विशेष अभियान पर भी काम हो रहा है। राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद ने सैन्य बलों के जवानों के लिए सौर चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कार दिए थे। किस मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा। और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV श्रृंखला में 4th OPV यानी कि ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल कौन सा है, वो सार्थक उसका नाम है। इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन कौन है, जिन्हें हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है, वो है सुधा मूर्ति। ये पुरस्कार समाज में कुछ अच्छा करने वाले लोगों को दिया जाता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल किसके द्वारा लिखा गया है, PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा। किसको गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, कौशिक खोना। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है चेतन चौहान। और किसने स्पेनिश ग्रांड प्री जीत ली है, उनके फॉर्मूला 1 कैरियर की 28वीं जीत रही, तो वो है लुइस हैमिल्टन। इस साल तो गदर काटे हुए हैं ये। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल नंबर पर आया है, तो उड़ीसा। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। NIIO में N का स्थान क्या है, नेवल। और भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, गोवा में। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्मार्टफोन कंपनी विक्रेता 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने वाली है, तो वह है शाओमी। और पहले कप्तान जिन्होंने 3 ICC ट्रॉफी जीती थी, तो वो है MS धोनी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 100 चुने हुए शहरों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ अभियान पर काम चल रहा है। और राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर यानी कि कमांडर इन चीफ ने 9 शौर्य पदक के साथ साथ 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। किस मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजन किया गया, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा कौन सा 5 OPV में से 4th आया है, तो वो है उसका नाम है सार्थक। सार्थक यहां पर कहीं नहीं है, उसका नाम सार्थक है। इंफोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन कौन है, जिन्होंने हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है सुधा मूर्ति। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो वो है हरभजन सिंह। और कविताओं के एक संग्रह कोरोना कविता काल किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा। किसको गो एयर एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो कौशिक खोना। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।